दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप सबको अपडेट मिल गई होगी कि 15वीं बार जो सीटेट का आयोजन है सीबीएसई के द्वारा ऑनलाइन तरीके से कराया जाएगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये परीक्षा 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और 13 तक चलेगी, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया एग्जाम होता है। तो सेंटर के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन डेट आपके एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेगी। 20 भाषाओं में परीक्षा पूरे देश में होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यूपी टेट पहले होगा या फिर सुपर टेट। साथ ही साथ आपको बता दें कि सी टेट की परीक्षा किस तरीके से ऑनलाइन देनी होती है, इस पर एक वीडियो हमने बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा कि कैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब आप लोग पूछते हैं कि यूपी टेट सुपर टेट में से पहले कौन सा होगा, तो देखिएगा यूपी टेट की परीक्षा नवंबर में होने की पूरी संभावना है। आयोग के द्वारा प्रस्ताव कई बार भेजा गया है, बट इस बार 20 या 21 तारीख तक कंफर्म हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में होगा या नहीं। अर्थात अगर हम एक शब्द में कहें तो यूपी टेट पहले होगा, सी टेट की परीक्षा बाद में होगी। यूपी टेट के होने के बाद एक या दो महीने के अंदर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसमें क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, बस प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव होगा। इसके लिए सी टेट डेमो ऑनलाइन टेस्ट भी जारी करेगा, वो आप वेबसाइट पे जा करके चेक कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करें।